बाकी सारा करना है, थोड़ा करना है ले जाने इसका काम है। बोल चंडी माता की जय, बोल ज्वाला माता की जय। आजो जयकारा जयकारा ज्वाला माई दा बोल सांचे दरबारी की जय, जयकारा मां मिंद्रा वाली दा बोल सांचे दरबारी की जय, जयकारा मां मचेला वाली दा बोल सांचे दरबारी की जय। कितनी रखना से ना ज्योति पचनंदा है। मैं ये माँ ज्वाला जी की ज्योत मचेल में लेकर जा रहे हैं हम छड़ी मुबारक के साथ। पवित्र छड़ी है, आज उसका शुभारंभ हुआ है जम्मू से। वो आज हम गलहार में रुकेंगे, फिर इसी तरह दो तीन दिन के पड़ाव के बाद हम 22 तारीख को मचेल में पहुंचेंगे और वहां विधि पूर्वक छड़ी और इनका वहां पर रिसीव किया जाएगा वहां संस्था के द्वारा। क्या
अपील करना चाहेंगे माता रानी को इस बार? देखिए, इस समय जो महामारी चल रही है, हम यही प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ सारे भक्तों की लाज रखे, उनके कष्ट हरे, और जो भी इस समय महामारी चल रही है उससे सब लोगों को निजात मिले, यही हमारी प्रार्थना है। और माँ चंडी ही सबका उद्धार करती है, प्रार्थना करने पर सबको वही शांति व मोक्ष प्रदान करती है, वही जब वो रुष्ट होती है तो वही किसी न किसी रूप में अवतार लेकर वो दुख भी देती हैं, लेकिन अपने भक्तों को वो पूरी तरह से उन पर कृपा बनाए रखती हैं और उनका उद्धार करती हैं। जो है पूरे देश के अंदर जो कोरोना चल रहा है, इसके लिए हम माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि ये महामारी दूर होनी चाहिए। इसके लिए संस्था की तरफ से हमने पहले भी 11 दिन का हवन किया मचेल भवन के अंदर, और पूरे 11 दिन में यही कष्ट निवारण के लिए हम हवन किया था। हम चाहते हैं कि ये परंपरा भी, माता रानी की ये परंपरा ये बहाल रहे और श्रद्धालुओं की श्रद्धा बढ़ती रहे। माता रानी वैसे भी पहले ज़माने में भी माता रानी ने इस महामारी को ख़त्म किया था, आज भी हमें पूरा विश्वास है कि माता रानी इस महामारी का खात्मा करेगी, और यह सिर्फ़ और सिर्फ चंडी माता ही कर सकती है। आप अपना नाम बताएं और ये बताएं कि माता रानी के भगत जो है नहीं जा पा रहे हैं, कितने निराश हैं। भगवान जय करे सब सुख शांति हो, और वहाँ हर बच्चों और बूढ़ों सबको बुलाए अपने चरणों में। मन में श्रद्धा है, लेकिन कुछ भी मजबूरियां भी होती हैं जिसलिए पहुंच नहीं पाए। जयकारा माँ मेरी शेरा वालिदा बोल संचेत। क्या अरदास करना चाहेंगे? मैं यही कहती हूँ कि सारे विश्व में सुख शांति हो, मेरे छोटे बेटे भाई बहन जो भी हैं उनको सुख शांति मिले, और माँ के दर्शन हर एक जिसके अब कोरोना वायरस के लिए ये पता नहीं क्या कहाँ ये इसके लिए कि कोई दवाई निकलेगी उससे सब शांति होगी। देखो इतने इतने माँ ने राक्षसों को मारा, असुरों को मारा, लेकिन ये क्या चीज़ है? ये तो हमारे कुछ किए हुए कर्म है। मेरा नाम केवल सिंह राणा है, मैं किश्तवाड़ का रहने वाला हूँ। माता रानी दया करे, हर एक भगत से मैं अपील करना चाहता हूँ। मैं संस्था का जनरल सेक्रेटरी हूँ, मैं अपनी तरफ से और संस्था की ओर से अपील करता हूँ हर एक भगत को कि वो अपनी ओर से प्रार्थना करें, भगवती माता के चरणों में अरदास करें। जैसे भगवती माता ने पहले भी ये चमत्कार दिखाए हैं, और अगर भगत सारे इकट्ठे होकर माता रानी से प्रार्थना करेंगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि महामारी हमारी ख़त्म हो जाएगी। इन्होंने पहले भी ये चमत्कार दिखाए और अभी चमत्कार करती रहेगी, यही मेरी भक्तों से अपील है, यही मेरी प्रार्थना है। भगत जो है 2 साल से नहीं जा पाए, कब तक जा सकते हैं अगर आने वाले समय में खुले रहा? हम तो सर्वशक्ति सेवक संस्था जो है इसी पर्पज़ के लिए बनी हुई है, और यही हमारा दायित्व है मैनेजमेंट के सिलसिले में जो हम हर वक्त तात्पर्य हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि अगले साल हमारी यात्रा जो है इससे बढ़कर चले, और उसके लिए अभी से प्रयास किया जा रहा है। अगर जैसे कोरोना वायरस थोड़ा सा कम हो जाएगा या एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन देगी तो कब तक श्रद्धालु जा सकते हैं इस साल? श्रद्धालुओं के लिए हर वक्त हमारे लिए जो है हमारे हम अपने उनकी सेवा करने के लिए तैयार हैं, और जब भी श्रद्धालु आ जाएंगे उनकी सेवा करने के लिए संस्था पूरी तैयार है। नवंबर तक जाना चाहेगा तो कब जागरू मेला कब होता है? जागरू मेला तो अक्टूबर में होता है, अक्टूबर के महीने में होता है, तब तक अगर जा सकते हैं जा सकते हैं। वैसे हमारे जो कई जो हमारे इसके लंगर वाले हैं जो अपनी सेवा देते हैं, उन्होंने अपनी सेवा पर उन्होंने अपने प्रकट किया है अपना विचार कि जब भी अगर जब भी हमें ऐसा लगेगा तो हम वहाँ पर